अलीगढ़ को मिलने जा रही पीएम मोदी की सौगात। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेंगे मनीष सिसोदिया। मंदिर के महंत ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बताया दोहरा चरित्र वाला। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ लगाए आरोप। बिजली कनेक्शन खत्म करने के नाम कर्मचारी कर रहे किसानों से अवैध वसूली। फिरोजाबाद में वायरल फीवर का कहर जारी। एक दिन में 3 बच्चों की गई जान। परिजनों ने लगाया डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचेंगे। यहां वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि हवाई मार्ग से पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे लोधा स्थित राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम जनसभा भी करेंगे और कार्यक्रम में मौजूद आमजनों को संबोधित भी कर सकते हैं। उनके आगमन को लेकर 3,00,000 वर्ग मीटर में विशाल पंडाल तैयार किया गया है। बता दें कि बीते सोमवार को सीएम योगी दूसरी बार तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले 8 सितंबर को सीएम योगी ने वहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था। तो आज अलीगढ़ वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात अलीगढ़ को देने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक बड़ा यहाँ पर विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। बारीकी से हर एक चीज का यहां पर मुआयना किया गया था और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसा माहौल अलीगढ़ में? देखिए, हम आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो है शिलान्यास करने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ के गांव लोधा क्षेत्र के गांव मोसेपुर में पहुंचे हैं, जिनका कार्यक्रम 11:30 बजे के बाद में वो अलीगढ़ की धरती पर कदम रखेंगे, जिसके बाद में जो यहां पे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय, जिसके छात्र जो काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे और 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इजलास विधानसभा में घोषणा की गई थी कि जल्द ही अलीगढ़ को जो है एक विश्वविद्यालय की सौगात वो देने चाह रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था उसी के तहत उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का आज शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस दौरान वो करीब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त अलीगढ़ के अंदर बिताएंगे। तो वही डिफेंस कॉरिडोर का भी अवलोकन किया जाएगा। तो वही तैयारियों को लेकर पूरा जिला अलीगढ़ का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। तो वही 3 पंडाल बनाए गए हैं, तो जिसके चलते यहाँ पे 1.5 लाख लोगों के भी पहुंचने की संभावना है। जो जिस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिलान्यास करेंगे तो यहाँ पे भारी तादाद में लोग मौजूद होंगे। तो वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आसपास के जो 10 किलोमीटर का दायरा है उसके जितने भी असलाधारी थे सबसे असला बिल्कुल अजय देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ अलीगढ़ को मिलने जा रही है। एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है अलीगढ़ में और दूसरी तरफ आज एक और विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है अलीगढ़ वासियों को। लेकिन इसके सियासी मायने भी खूब निकाले जा रहे हैं। 2022 बेहद नजदीक है अजय, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अलीगढ़ में और 1.5 घंटे यहां समय बिताएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी जो 2022 का चुनाव है वो लड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम आपको बता दें कि जो आप शिलान्यास करेंगे इसको जो है कहीं ना कहीं सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2022 का विधानसभा सिर पर है जिसमें 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो जल्द से जल्द तो है बीजेपी के जो लोग हैं वो जल्द से जल्द यूपी के अंदर जो जितने भी विकास कर रहे हैं उनका शिलान्यास करेंगे। तो वही दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो उसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह का कहीं भी उल्लेख नहीं है, नाम का उल्लेख नहीं है, जिसके लिए कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो दिनेश शर्मा है उन्होंने भी आरोप लगाया थे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 90 साल के लीज पर तक के अजय इस यूनिवर्सिटी को लेकर आसपास के जो लोग हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, किस तरह की बातें चल रही हैं जनता के बीच में?
देखिए हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में थी, लेकिन अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खुलने के बाद में लोगों को बड़ा ही सुकून महसूस कर रहा है। लोग जो हैं आगरा यूनिवर्सिटी के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब 379 के करीब इस विश्वविद्यालय से जो है विद्यालय अटैच हो जाएंगे, तो उसके बाद में लोगों को जो है जो आगरा जाना पड़ता था, अब लोगों को बच्चे जो छात्र हैं वो यहीं पर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, तो कहीं ना कहीं परिजनों लोगों में भी बिल्कुल है। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात की जाए तो इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थान खोले उत्तर प्रदेश में, विदेशों में भी ये रहे हैं और इनकी जो लगातार चर्चाएं रही हैं कई सालों से रही हैं, इनके जो परिवार वाले हैं वो भी लगातार मांग करते रहेंगे, ऐसे में ये बड़ा सम्मान आज मिलने जा रहा है। जो परिवार वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए हम आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आए थे, तो उस दौरान जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो परिवार है उसको जो सम्मिलित नहीं किया गया था, उसको लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश था कि जिनके नाम से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हीं के परिवार वालों को इस फंक्शन में नहीं पूछा गया, तो कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ी नाराजगी थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे तो क्या वहाँ पे उनका परिवार मौजूद होगा, इनको बुलाएगा। लेकिन इसको लेकर जो है अभी जो उनको भारत रत्न देने की भी बात लोगों द्वारा की जा रही है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न दिया जाए, तो वही राजा महेंद्र सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने उत्तर बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको चुनाव हराया था, शिकस्त दी थी, तो कहीं ना कहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के आज जो विश्वविद्यालय की सौगात अलीगढ़ को मिल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं छात्रों में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वही इसके बाद में शिलान्यास के बाद में जो प्रधानमंत्री जो है डिफेंस कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। जी बिल्कुल अजय, और ये जो मेहमानों की लिस्ट पूरी तैयार कर ली गई है, इसमें किस किस का नाम शामिल है और क्या परिवार का नाम भी है? जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उन्होंने जायजा लिया था, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह का परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। जी जो लिस्ट जारी हुई है मुख्य अतिथि की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह के परिवार का नाम नहीं है, उसमें गवर्नर है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री हैं और तो अलीगढ़ के आसपास के जो एटा हाथरस और अलीगढ़ के जो सांसद है उनका नाम मौजूद है और जिला पंचायत अध्यक्ष है उनका नाम मौजूद है, लेकिन इस लिस्ट में कहीं भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो परिवार है उसका नाम नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल अजय, और देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से हिंदुत्व को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पहले पिछले साल हम देखें तो राम मंदिर का शिलान्यास किया गया और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, भूमि पूजन हुआ हर्षोल्लास के साथ। उसके बाद अब एक और हिंदुत्व कार्ड यहां पर खेला गया है। देखिए राजनीति तो भरपूर हो रही है क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा है कि यहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर जो यूनिवर्सिटी खोली जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को साधने की कोशिश हो रही है। देखिए हम आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के अंदर तीन जो किसान कानून बिल लाए थे उसकी बात में तो जाट पूरी तरह से खपा चल रहा था, तो कहीं जाटों को साधने के लिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको भी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखिए जाटों को भी जो बीजेपी के लोगों द्वारा साधने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं 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 ना कहीं इसके सियासी मायने भी जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है ये बहुत ही बाहुल्य क्षेत्र है अलीगढ़ का, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जाट है। अब देखने वाली बात होगी, जहां एक तरफ किसान जो बीजेपी से नाराज चल रहा है तो वहीं जो विश्वविद्यालय खोले जाएगा उसके बाद में इसका कितना लाभ जो है अलीगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। तो आज यूपी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, दरअसल आज अलीगढ़ आगमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और साथ ही साथ अलीगढ़ की जो जनता है उन्हें साधने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। ये कहा जा सकता है कि हिंदुत्व का जो कार्ड है वो बखूबी अलीगढ़ में आज खेला जाएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद अलीगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद रहेंगे। तो यूपी को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है, एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो दूसरी तरफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जिसका लाभ युवाओं को होगा और प्रदेश के विकास में भी अहम योगदान साबित होगा।
उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ सत्ता पाने की अर्जी लगाई। आज अयोध्या में मनीष सिसोदिया तिरंगा यात्रा भी निकालने वाले हैं, हालांकि उनका विरोध शुरू हो गया है। संतों ने सिसोदिया और संजय सिंह के मंदिर दर्शन को दिखावा बताते हुए इस पार्टी के दोहरे चरित्र का उदाहरण बता दिया। बड़ा भक्तमाल मंदिर के महंत अवधेश दास ने तिरंगा यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये राम मंदिर के विरोधी लोग हैं, ये तिरंगा यात्रा से क्या मैसेज देंगे, ये सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं जो विदेशी मुसलमानों को दिल्ली में रखते हैं, ये देश के टुकड़े टुकड़े कराने वाली मानसिकता के लोग हैं, अयोध्या तो नास्तिक भी आते हैं लेकिन इनका भगवान राम से कोई नाता नहीं है, ये लोगों को बरगलाने के लिए घूम रहे हैं, इनको कोई वोट नहीं देगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे हुए हैं। कल ही पहुंच गए थे, कल वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया, लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये दर्शन सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, लोगों को बरगलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। इसके अलावा आज मनीष सिसोदिया एक तिरंगा यात्रा भी निकालने जा रहे हैं जिसका भी विरोध होना शुरू हो गया है, महज इसे दिखावा बताया जा रहा है। तो आपको बता देंगे उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है इस 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने पैर जमाने की। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पैर पसारती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, आज तिरंगा यात्रा होगी, कल वो दर्शन कर चुकी है हनुमानगढ़ी जाके, लेकिन संतों का विरोध शुरू हो गया है, क्या वजह हो सकती है, क्यों दोहरा चरित्र बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी को? काजोल, देखिए लगातार संजय सिंह खुद समाज किए हुए थे और उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में बोला है कि सब जगह पे वो पूरा तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जल्द से जल्द उन्होंने कहा है कि इस यात्रा को हम कवर करेंगे। अब रात में मनीष सिसोदिया वहां पे पहुंचे हुए हैं, हालांकि साधु संत जो यहाँ के हैं उनमें नाराजगी से भी इसी बात को है कि यहाँ पे जो धार्मिक चीजें हैं यहाँ पे राजनीतिक ना खेला जाए, तो खासतौर से मनीष सिसोदिया के पहुंचने पे ही ऐसी बातें क्यों उठ रही है। दूसरी बात, यहाँ पे पहले भी कई ऐसे दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं, तब धर्म को लेकर नहीं जोड़ा गया, लेकिन अभी मनीष सिसोदिया के पहुंचने पे ही खासतौर से आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ के जो साधु संत है उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया पहले से भी बोल रहे थे कि अयोध्या जाने का मतलब वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी, यहाँ पे पहुंचने का। बिल्कुल रूबी, और ये बहुत सही समझ आता है कि जिस तरह से अभी यूपी विधानसभा नजदीक है, ऐसे में जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तब से ही तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं, उससे पहले कभी कोई भी पार्टी का बड़ा चेहरा रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचा था। आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि अब सीधे राम नाम जपते हुए जो विपक्ष है नजर आ रहे हैं? देखिए काजोल, अक्सर देखा जाता है जब चुनावी बिसात बिसती है तो कहीं ना कहीं हर पार्टियां जो होती है वो मौका इसी बात को लेकर ढूंढती है, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो या फिर हिंदू वोट बैंक की राजनीति हो। अब ऐसे में अयोध्या इस सब खास केंद्र माना जा रहा है, हर कोई अयोध्या पहुंचता है, वहां पे दर्शन करने का एक बहाना जरूर होता है, लेकिन राजनीति जो होती है वो वोट बैंक की ही होती है। तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया भी अगर पहुंचे हुए हैं, रात से उन्होंने कल यहाँ के आम आदमी पार्टियों से मुलाकात करी है, उनके जो भी वहां से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उन लोगों के साथ यानी रूबी, ये कहा जा सकता है कि राम नाम यूपी की राजनीति में अब से 20 साल पहले भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ था और आज भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल काजोल, सही कहा, क्योंकि राम नाम को लेकर ही वोट बैंक की पूरी तरीके से राजनीति हो ही रही है, पहले भी अगर हम बात करते हैं और अगर अभी की भी हम बात कर रहे हैं तो परिसीमन जो है वो वहीं पे रखा गया है। लेकिन कुल मिला के ये देखा जाता है कि खास तौर से जब पार्टी होती है वो पार्टी ऐसा ही मौका ढूंढती है कि जब वो पहुंचे तो हाय अल्लाह जरूर दिखने को मिले। खासतौर से हनुमान अयोध्या की हम बात कर रहे हैं तो हनुमानगढ़ी पहुंचने पर रामलंगा दर्शन करने पर कहीं ना कहीं हलचल जरूर होती है, विपक्ष को लेकर भी हलचल जरूर होती है, खासतौर से ऐसे स्थिति में जब माहौल बहुत ज्यादा जब गर्म, खासतौर से जब सरगर्मियां बढ़ रही हो चुनावी तैयारी को लेकर, अब ऐसे में
उत्तर से इसी बात को लेकर बनाया जाता है कि अयोध्या जाना है या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसे कई मामले निकल के आते हैं जब कहीं ना कहीं धर्म को लेकर जोड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन रूबी अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो नैया है क्या राम नाम से पार लग जाएगी? और दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या है? अभी तो सिर्फ मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल भी पहुंचते हुए नजर आएंगे अयोध्या। पहले बता दूं काजोल, अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द लखनऊ आने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि बहुत जल्द इसी हफ्ते के अंदर लखनऊ पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ लखनऊ के अलावा उसके कई ऐसे प्रोग्राम फिक्स है जो आस पास के जो फेमस जगह होंगे वहां पे पहुंचेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये देखने को जरूर मिल रहा है कि अब जो आम आदमी पार्टी है वो पूरी तरीके से काबिज होना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और बहाना था इनका तिरंगा यात्रा, तो अब तिरंगा यात्रा के जरिए से लेकिन ये जगह जगह पे जाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर तैयारी करेंगे। और अभी भी इन्हें बहुत से पत्ते अपने नहीं खोले हैं और उनमें से यही कयास लगाया जा रहा है अयोध्या ही क्यों और इसके आसपास के जो भी धार्मिक जगह होंगे, चाहे मथुरा हो या फिर कहीं काशी हो, विष्णु बनारस हो, इन सब जगहों को लेके वो टारगेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब वोट बैंक की जो राजनीति है वो सीधा सीधा साफ देखने को मिलता है कि धर्म को लेके जरूर जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल रूपी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे हुए हैं और आज तिरंगा यात्रा वो निकालने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उनका विरोध जो है वो शुरू हो गया है। साधु संत जो हैं वो सिर्फ दोहरे चरित्र की बात कर रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ दोहरे चरित्र का यहाँ पर बखान करती हुई नजर आ रही है। दरअसल अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो राम नाम एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है और आज भी उसी कड़ी पर जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। यूपी की राजनीति से तर और विधानसभा चुनावों से तर फिरोजाबाद में वायरल फीवर का कहर अब भी जारी है। एक दिन में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं थाना उत्तर क्षेत्र के जलेसर रोड निवासी 11 साल की मासूम जो 4 दिनों से सौसैया अस्पताल में भर्ती थी उसने भी जिंदगी को अलविदा कह दिया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने सौसैया अस्पताल के बाहर बैठकर जमकर हंगामा किया और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की है। इस दौरान परिजनों ने बताया कि वैष्णवी 4 दिनों से भर्ती थी, उसको लगातार बोतलें चढ़ाई जा रही थी और डॉक्टर्स पर लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सूचना के बाद मौके पर जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। तो वायरल फीवर का कहर अभी थमा नहीं है। फिरोजाबाद में लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक दिन में 3 बच्चों की जान जा चुकी है। परिजन डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो फिरोजाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मासूम बच्चों की जान जा रही है वायरल फीवर की वजह से। डेंगू भी लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। मासूम बच्चों को गोद में उठाए वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अस्पताल तो कई ऐसे हैं जहां पर बेड की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में कई बार डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से या स्टाफ की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान जा रही है, ऐसे आरोप लगातार परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके बचाव के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुचारू हों इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये तो आज तो ये बच्ची का आज तो मुझे फोन पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आज भी कोई डेथ हुई है और इस तरीके से लापरवाही से हुई है। जब मैंने इस बच्ची की लापरवाही सुनी ये बिल्कुल सच लगी, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले भी मुझे रोज कॉल्स आते हैं, ठीक है, लापरवाही से लेके कि मैम हमारी 6 महीने की बच्ची उसको बचा लीजिए, ये लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, रोज कॉल्स आते हैं। 2 दिन पहले कॉल आया था इसी तरीके से और मैं उसकी सहायता करने के लिए आई, मैंने देखा कि उसका ब्लड सैंपल लिया गया था, उस बच्ची के लिए रिपोर्ट 3 दिन से रिपोर्ट नहीं दी गई, साथ में उस बच्ची को कुछ भी दवा खिलाएंगे और पेट फूल जाएगा, बिच मीन्स कि उसको किडनी इन्फेक्शन हो रहा है उस दवा से, लेकिन डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने रिपोर्ट मांगना चाहा प्रधानाचार्य जी से और उन्होंने मुझे इतनी बदसलूकी से, जबकि मैंने उनसे कहा कि मैं महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ भी बदसलूकी हुई, उन्होंने साथ नहीं दिया मेरा, ठीक है, और उसके बाद मुझे बाहर से बाहर करके उस परिवार को धमकी दी गई, उसको मारपीट करने की कोशिश की गई, उसके वीडियो उसने लापरवाही के वीडियो बनाए थे उसके वीडियो डिलीट करने की कोशिश की गई। था कि मैंने लड़की को 3 दिन पहले ये सौसैया सामने हॉस्पिटल भर्ती किया था, 3 दिन पहले 4 दिन हो गए होंगे, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, मेरी लड़की की तबीयत पहले दिन सही हो गई, दूसरे दिन सही हो गई, तीसरे दिन उसने उल्टी करना शुरू कर दिया, उल्टी करने के बाद इसका पेट फूलना शुरू हो गया। तो हमने डॉक्टरों से कहा कि भाई इसका अल्ट्रासाउंड कराओ,
अल्ट्रासाउंड क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, मिट्टी का कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा, आपका इलाज आप करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्हें लास्ट पोजिशन पर जब मेरी बेटी ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, खाना तो खाई नहीं थी, कल तक पानी छोड़ दिया, तब उन्होंने एट ए टाइम मुझे यहाँ पे भेजा, और भेजने के बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे 5 मिनट के अंदर मिली, जैसे अल्ट्रासाउंड वैसी रिपोर्ट वैसी ट्रांसफर। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के कई किसानों ने शहर के आवास विकास कॉलोनी में बने बिजली घर ऑफिस पहुंचकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियां और जो अधिकारी हैं वो लगातार किसानों का शोषण कर रहे हैं। बिजली कनेक्शन खत्म करने के नाम पर बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कर्मचारियों में कोई भी सुधार नहीं आया है। तो भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ ये विरोध उनका लगातार जारी है। बिजनौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिजनौर में बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी नाराजगी बिजली विभाग की तरफ देखी जा सकती है। उनका कहना है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी मांगों को नहीं मानते, ना ही उनकी शिकायतें सुनी जाती है। ऐसे में जब तक वो उनकी शिकायत नहीं सुनते, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे और ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। यहाँ बड़े मामले बिजली विभाग के हैं, यहाँ कई सारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, मौके में मौजूद हैं। अगर कोई कनेक्शन कटवाने के लिए बिजली विभाग में जाता और उसने पूरा अपना बिल भी जमा कर रखा, तो कनेक्शन कटवाने के नाम पर भी जब तक वो रिश्वत नहीं दी जाती, तब तक कनेक्शन किसान का कटता नहीं। यहाँ ये प्रार्थना पत्र मेरे पास मौजूद हैं, 6 महीने से ज़्यादा के प्रार्थना पत्र यहाँ हैं, जो किसान दिवस में पिछले दिए गए थे। उन किसान दिवस जर्जर जो लाइनें हैं, हमारे कई किसान हताहत हो गए, मर गए, वो जर्जर लाइनें आज तक नहीं बदली गई। जो छापेमारी गाँव गाँव चल रही है, उन छापेमारियों में बड़ा खेलिया कर रहे हैं। जमींदारों उन्मूलन कानून के लागू होते ही जमींदारी चली गई, राजशाही खत्म हो गई, लेकिन गोंडा एक ऐसा जनपद है जहां लोगों के अंदर बैठी हुई समांतवादी नीति लोगों की समानती को खत्म नहीं होने दे रही। ताजा मामला परसपुर थाना क्षेत्र के पसका का है, जहां पर पूर्व प्रधान के भतीजे को एक व्यक्ति द्वारा नमस्कार न करना इतना अखर गया कि वो अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति के घर में घुस गया, गाली गलौज की, अभद्रता की और मारपीट की, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो नाई की दुकान पर बाल कटवा रहे उस व्यक्ति को चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर FIR दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व प्रधान के भतीजे की दबंगई का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सरेआम पूर्व प्रधान के भतीजे ने शख्स को पीटा है, सिर्फ उसकी गलती क्या थी कि उसने पूर्व प्रधान के भतीजे को नमस्कार नहीं किया था। नमस्कार ना करना उसे इतना खर गया कि उसने उस व्यक्ति के घर पर जाकर तोड़फोड़ की, उसके साथ मारपीट की, अभद्रता की, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने शख्स को बाहर निकाल लिया और गली में उसे पीटता हुआ नजर आ रहा है, दौड़ा दौड़ा कर उसे पीटा गया है। और थाना परसपुर जनपद गोंडा, एक बाल बनवाते समय एक मारपीट गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ है, उसके संबंध में स्पष्ट करना है कि अंतिम संस्कार के बाद जो बाल शुद्धिकरण का कार्यक्रम था उसमें कुछ विवाद हुआ था, और उसी के कार्यक्रम की बात को लेकर के एक व्यक्ति जो है बाल बनवा रहा था, तो बाल बनवाते समय उसको एक व्यक्ति ने गाली गलौज और मारपीट की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत की गई है, मारपीट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है गया है, इसमें आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये हमारा एक घरेलू मामला था, इसमें रिंकू सिंह, आलोक सिंह रिंकू सिंह, मतलब हमको दबंगई दिखा के मारते पीटते हैं, आज 2-3 साल से परेशान कर रहे हैं, इन्हीं के पटीदारों की वजह से आते हैं, भी चौराहा पीटे हैं और भाई को मेरे मारे हैं, जो उसे छुरी से काटे हैं, इस मामला बहुत दिन से परेशान किए हैं ये हमको। हर मामले में सर जी क्या मामला है? मामला यह है साहब कि हमको दबंगई दिखा रहे हैं और मतलब बहुत दिन से दबंगई दिखा रहे हैं और इनके सामने झुकता नहीं हूँ, इसलिए मारते पीटते हैं। फिर भी ऐसे कई घटने हो चुके हैं जो हमारे पर पीरियड किया जाता है, घर घर वाले को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, गाली भी देते हैं। इसके पहले दुकान वकान फूक दिया था इलेक्शन में, अरे अभी तो काफ़ी दंडित किए हैं, चाकू वाकू मारे हमको। ये घटना है, ये देखिए सर, इधर इधर घटना है, काफ़ी घटना हो गया है। अब
कल जान से मारने की धमकी दिए हैं, गोली वोली से मार देंगे ऐसा वैसा। जी सर ये बोल रहे हैं सर झुका के आप हमेशा बात करो, हमसे ज़्यादा तेज मत बोलो ऐसा वैसा बोलते हैं। हम बोलते हैं क्यों दबे सर आपसे, हमें ऐसा बहुत ज़्यादा पीरियड करते हैं, वो मारते पीटते हैं जब देखो जब धमकी देते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।